हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिद्धि एंड यू आर वाचिंग रिद्धि स्टॉक। आ गए हैं हम लोग संदीपनी। हेलो, बोल रहा हूं मैंने सच्चा नहीं था। हंसा रिद्धि है ना। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग हैं अभी महर्षि संदीपिनी के आश्रम में। तो मेरे पापा अभी जो समझा रहे थे, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण जी एंड बलराम जी अपना जो शिक्षा है वो महर्षि संदीपिनी से वो ग्रहण किए थे। तो जैसे कि उनका पढ़ाई शिक्षा कंप्लीट हो गया, वे अपने गुरु से बोले कि गुरुदेव, आपको क्या दक्षिणा चाहिए, आप अपने ओर से हमें बताइए। तो महर्षि जी ने उनको बता दिया कि मुझे मेरा जो पुत्र है वो प्रभास महासागर के किनारे खो गया है, वो मुझे वापस करवा दीजिए। तो दोनों भाई निकल गए। पहले क्या होता है, एक बार वचन दे दिए तो बीड़ू बस करना है, वही काम करना है। हम लोग ऐसा नहीं कि बोल दिए तो माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है, करना है। तो दोनों भाई निकल गए। अब जैसे कि पहुँचे वहाँ पे तो पता चला शंखासुर ने उनके पुत्र को मार दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे भी हो तो गुरु को दक्षिणा तो देना है। तो वे क्या किए ना, सीधा यमराज यमलोक चले गए और यमराज से बोले कि यमराज जी, आप इनके पुत्र को पुनर्जीवन दान दे दीजिए। तो भगवान का जैसे आदेश आते ही यमराज जी ने वो मान लिया और वो उनको पुनर्जीवन दान दे दिए। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण एंड बलराम अपने गुरु दक्षिणा पूरे किए और आके अपने गुरु को उनके पुत्र को सौंप दिए। तो यही था। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या 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 हमारे श्री कृष्ण जी सीखे हैं, क्या क्या पढ़ाई किए हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली पाठशाला में मोबाइल अलाउ नहीं किए, एंट्री करते ही मना कर दिए। पर मैं आपको बता देती हूँ, अंदर उनके गुरु का फोटो था, क्या क्या वो पढ़ाई की थी वो सब बुक्स है। तो आप जब भी अगर उज्जैन जाते हैं तो संदीपनी आश्रम जरूर जाइए, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Thank you.
आप मेरे पीछे जो ये कुंड देख रहे हैं, इसका क्या स्टोरी मैं आपको बताऊं? ये जो हमारे श्री राम एंड बलराम है, उनके बड़े भाई, उन्होंने ये जो पौंड है, इसको क्या बोलेंगे, तालाब पौंड जो भी है, ये उन्होंने ही खोदा था। अभी यहाँ पे जाना मना है, पहले ये मिट्टी का था, पर अभी यहाँ पे जाना मना है क्योंकि कोई एक यहाँ पे कूद कर मर गया, स्लिप कर गया था इसी वजह से। पर देखिए अच्छा दिख रहा है, देखिए। अभी हम लोग जा रहे हैं गैलरी ऑफ 64 आर्ट फॉर्म। ये पूरा 64 आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि भगवान सीखे हैं। जितना आर्ट फॉर्म्स हैं वो सारा इधर, और भी है लॉन्ग 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 वे। देखिए ठीक है, टाइम शॉर्टेज के वजह से मैंने वो पूरा कैप्चर नहीं कर पाया। अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर। सो गाइस मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।